अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ रमज़ान अफ्तार स्पेशल चिकन के रेशे कबाब। कैसे बनाते हैं यूनिक और अलग अंदाज में, एकदम कम मसाले में घर के फटाफट जल्दी बनने वाली रेसिपी। एक मैंने पैन ली, इसमें 1 टेबल स्पून छोटा सी ऑयल डाली हूँ और ये 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन एकदम छोटी वाली थी तो मैंने 2 ली और इसे बारीक कट कर दी। अब इसे 2 मिनट तक के भूनूंगी, इसका कलर चेंज होने तक के पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है इसे। देखिए 2 मिनट हो चुका है और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दूंगी। इसे भी 2 मिनट तक के भूनूंगी मैं। जब तक ये हमारा मसाला भून रहा है, जब तक मैं कुछ सूखे मसाले ली हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ली हूँ, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ली हूँ, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ली हूँ, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ली हूँ, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर ली हूँ, 1/2 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला ली हूँ, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ली हूँ। ये सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पूरे मसाले। इसे भी हम भूनेंगे। भूनने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए मुझे चिकन मैंने गला के यानी बॉईल करके ली हूँ और ये इसमें चिकन स्टॉक इतना सी बचा ली थी, ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। इससे भी मैं जो स्टॉक है ये पूरा सूख जाएगा इसके अंदर, फिर मैं इसमें क्या ऐड करूँगी आप लोगों को बताती हूँ। देखिए मैंने चिकन का रेशा कर ली हूँ, स्ट्रेट कर ली हूँ इसे लंबे लंबे, इसमें हाथ से तोड़ी थी मैंने चिकन, ये रेशा कर ली हूँ मैंने। ये 300 ग्राम चिकन ली थी, इसमें 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली थी, थोड़ा सी पानी ऐड करी थी और थोड़ा सी सॉल्ट ऐड करी थी और इसे गला ली थी और फिर इसके बाद मैं ठंडा करके इसे ऐसे रेशे में तोड़ ली हूँ। अब मैं जो ये मसाला हमारा भून चुका है, अब मैं इसमें सारे ये चिकन इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद ऊपर नीचे अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं क्या डालूँगी आप लोगों को बताती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सी इसमें धनिया ऐड कर दूँगी और इसे भी डाल के हम 2 मिनट तक के पकाएंगे और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। हमारा ये मसाला पूरा इसका चिकन का रेडी है। देखिए ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू है, इसमें थोड़ा सी नमक डाल के इसको गला ली थी और इसे अच्छी तरीके से हम मैश कर लिए। अब मैं ये इसमें पूरा ऐड कर दूँगी। और इसी के बाद में जो हमारा ये मिक्सचर है चिकन का, ये पूरा इसमें ऐड कर दूँगी। मैं इसमें ये कोथमीर पूरी इसमें ऐड कर दूँगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ऐसे अच्छे तरीके से मिक्स करके आप लोगों को बताती हूँ। देखिए पूरा अच्छे तरीके से मिक्स कर ली। अब मैं इसको कबाब का शेप दे दूँगी। देखिए इसे करके ऐसा बीच में से थोड़ा सा ऐसा फ्लैट करूँगी। आपको जैसा शेप देना है आप वैसा शेप दे सकते हैं, मुझे ऐसा देना है मैं ऐसे ही दूँगी। अब मैं सारे कबाब ऐसे ही बना के ले लूँगी, फिर आपको कैसे फ्राई करने का है मैं बताती हूँ। देखिए मैंने कबाब के शेप ऐसे बना के ले ली हूँ। अब मैं इसमें ये कबाब को ये बटर के इसमें ऐड कर दूँगी। आपके पास ब्रेड क्रम्स है तो आप ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, मेरे पास बटर अवेलेबल था इसलिए मैंने बटर ली हूँ और मैं ज़्यादातर बटर ही लगाती हूँ। और ये सारे कबाब हम ऐसे ही इसमें डिप कर करके ऐसा रखते जाएंगे, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस है आप लोगों को मैं बताती हूँ। ये मैंने 2 अंडे ली हूँ, इसके अंदर थोड़ा सी सॉल्ट डाली हूँ और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाली हूँ। ऐसे अच्छी तरीके से बीट कर ली हूँ मैंने। अब मैं एक पैन ली हूँ, ये पैन के अंदर थोड़ा सी ऑयल डाली, इसे गर्म होने के लिए दी हूँ। अब मैं ये इसमें डिप करूँगी और ऐसे ही सारे कबाब फ्राई करते रहूँगी।
गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे ताकि हमारे कबाब जले नहीं। सारे कबाब मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी और एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होगा तो मैं आप लोगों को पलटा के बताती हूँ। देखिए हमें ऐसा करके गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है। हमें सारे कबाब ऐसे ही गोल्डन ब्राउन करके तलूँगी। देखिए आगे पीछे से ऐसे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम सारे कबाब इसमें से निकाल लेंगे। देखिए चिकन रेशा कबाब एकदम फटाफट झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनती है। एक बार मेरे अंदाज़ में ज़रूर बनाना और बहुत ही टेस्टी बनता है ये चिकन रेशा कबाब। कम मसालों में झटपट बनने वाली रेसिपी है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहता है। और ये टमाटो केचप मायोनीज ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मैं रमज़ान से पहले ग्रीन चटनी की भी रेसिपी आप लोगों को बताऊंगी। अब मैं एक कबाब आप लोगों को तोड़ के बताती हूँ। इसमें देखिए कितना रेशा कैसा बना है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये।